गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुधीर मिश्रा आपको क्लास फाइव का विषय संस्कृत चैप्टर सिक्स मिथ्या प्रशंसा पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानेंगे मिथ्या प्रशंसा। मिथ्या के मतलब क्या होता है? झूठी। प्रशंसा के मतलब क्या होता है? बड़ाई, मतलब कि झूठी बड़ाई ना, झूठी बड़ाई। झूठी बड़ाई के हम कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी पढ़ाने पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जब वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो किताब खोल कर जरूर रखेंगे। सेंटेंस जो मैं पढ़ाऊंगा वो जरूर किताब जरूर मिलाएंगे। और ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले चैप्टर को रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो उच्चारण सही होगा, और उच्चारण सही होगा तो आपका नाम समझ में आ जाएगा। और ब्लैकबोर्ड पर जो शब्दार्थ दिया गया है वो जरूर याद करें, क्योंकि शब्दार्थ याद से ही आपको सेंटेंस समझ में आसानी पूर्वक आ जाएगा। तो आइए आपको हम मिथ्या प्रशंसा कहानी पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहानी है कस्मिंश्चित ग्रामे एक पीपल वृक्ष आसीत। सेंटेंस लाइएगा, कस्मिंश्चित ग्रामे एक पीपल वृक्ष आसीत। मतलब होता है बच्चों, किसी गांव में एक पीपल का पेड़ था। कस्मिंश्चित ग्रामे एक पीपल वृक्ष आसीत, किसी गांव में एक पीपल का पेड़ था। एकदा कश्चित् काकरोटिकाया एकम खंडम प्राप्नोत्। एक बार कौवे ने रोटी का टुकड़ा प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं। स उत्पत्य वृक्षस्य शाखायां उपविशत्। वह उड़कर वृक्ष के डाली पर बैठ गया। शाखायां के मतलब डाली पर। उत्पत्य वृक्षस्य शाखायां उपविशत्। वह उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। तत्र स रोटिकां खादितुम् आरब्धवान्। तत्र स रोटिकां खादितुम् आरब्धवान्। वहां वह रोटी खाने लगा या रोटी खाना शुरू किया। आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। तस्मिन् काले एकालोमसा तत्रागच्छत्। तस्मिन् काले उसी समय एक लोमड़ी वहां आ गई। उसी समय एक लोमड़ी वहां आ गई। लोमसा के मतलब एक लोमड़ी। सा रोटिकां खंडम अपश्यत्। उसने एक रोटी का टुकड़े को देखा ना, कौवे जो रोटी खा रहा था वह रोटी को टुकड़े को उस लोमड़ी ने देखा। लोमसा अचिंत्य कथम अहम का इमं अपहर्तुं समर्था अजयम्। लोमड़ी ने विचार किया, कौवे की रोटी देखकर लोमड़ी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार से कौवे से रोटी प्राप्त करूं, तथा सा एकम उपायं अचिंत्यत्। तथा इसके बाद उसने कोई एक उपाय सोची। लोमसा काकम अवदत्। लोमड़ी ने कौवा से बोली। अहो भ्राता तुम अतीव सुंदरासी। हे मेरे भाई तुम बहुत सुंदर हो। लोमड़ी ने कौवे से बोली, अहो भ्राता
तम अतीव सुंदर असी, मतलब कि लोमड़ी ने कौवे से बोली कि हे मेरे भाई तुम बहुत सुंदर हो। तब वाणी मधुरा अस्ति, तुम्हारा वाणी भी मीठा है। अहम तब मधुरम स्वरम श्रोतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे मीठे आवाज को सुनना चाहता हूँ, मीठे स्वर को सुनना चाहता हूँ। स्वरम मैंने आवाज, मैं तुम्हारे मीठे आवाज को सुनना चाहती हूँ। लोम साया वचनानी सुत्वा काका अत्यधिकम प्रासितः, लोमड़ी की वचन सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। सो चिंत्य, उसने सोचा, सर्वे प्राणिना रूपस्या वाण्याश्च प्रशंसां कुर्वन्ति, सभी लोग या सभी प्राणी मेरे रूप और गुण की प्रशंसा करते हैं। सभी प्राणी मेरे रूप और वाणी की प्रशंसा करते हैं। वस्तुतः मम वाणी मधुरा अस्ति, वास्तव में मेरा वाणी मीठा है। अतो मया एकम गीतम अवश्यम एकम दातव्यम, इस प्रकार अतः मुझे एक गीत अवश्य गाना चाहिए। कौवे ने सोचा कि मुझे गीत अवश्य गाना चाहिए। कौवा भाई खुल गया। एकम विचारिया काका गातुं आरंभ, यह विचार करके कौवा गाना शुरू किया, कौवा गीत गाने लगा। यावत् काका गीतं गातुम् आरम्भते तावत् तस्य मुखा पूर्णिका खण्डा भूमौ पतितः, जैसे ही कौवा गीत गाना शुरू किया वैसे ही उसके मुख से रोटी का टुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा। वह कौवा जब गाने लगा रोटी टुकड़ा मुंह से जमीन पर गिर पड़ा। लोम सा शीघ्रम तं रोटिका खंडम खादितवति, लोमड़ी शीघ्र ही रोटी कौवे को खा गई। तदा काका अवदत्। तब एक कौवा ने बोला मेरी गीत को सुनो। लोम सा प्रत्यावदत्। तो लोमड़ी उसके बदले में जवाब दिया, संप्रति नते मनोहरम नचते वाणी मधुरा हम इच्छामि। इस समय तो न तुम्हारा रूप सुंदर है न तो तुम्हारा वाणी मीठा है, मैं तुम्हारे कड़वे वाणी को नहीं सुन सकती। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, अथवा गच्छामि, अब मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से प्रस्थान कर जाती है, चली जाती है। सत्यम एव उक्तम, सत्यम एव उक्तम, कौवे ने अंतिम विचार किया कि चाटुकारिता अहंकारी, कि ज्यादा चंचल चलाक प्राणी अहंकारी होते हैं, अर्थात वे अहंकारी विचार, इसलिए चंचल प्राणी से कहीं दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा की सोच क्या कौवा पश्चाताप करने लगा। तो बच्चों कि मैं आपको कहानी पढ़ाया, अरे कहानी आपने अवश्य इस समय आपको अवश्य समझ में आ गया होगा, है ना। तो सबसे पहले शब्दार्थ याद करेंगे, मित्रों का रीडिंग करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आपको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, रिक्त स्थान बनाएंगे और अनुवाद बनाएंगे, मैं खास वीडियो दिखा रहा हूँ, ये रिक्त स्थान बनाएंगे, संधि विच्छेद बनाएंगे और आपको लिखे अनुवाद बनाएंगे और क्वेश्चन सब बनाएंगे, है ना। और इसके बाद पुनः आप याद करेंगे, और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लिखी लाइक अवश्य करेंगे। ये आप अपनी वाणी को ध्यान करता हूँ। थैंक यू।